नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है और इस वक्त हम शहर का पूरा जायज़ा लेने चल रहे हैं। और जो मुद्दे हैं चंडीगढ़ नगर निगम में, वो मुद्दे जो हैं वो भाजपा के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ माहौल भी बना हुआ है। कारण, सबसे बड़ा कारण महंगाई, कोरोना और किसान। चंडीगढ़ में किसान परिवार ज़्यादा रहते हैं, कोरोना की त्रासदी झेली है शहर ने, और सबसे बड़ी बात महंगाई अपरंपार। ये मुद्दे बहुत ही बेहद मुद्दे जो चंडीगढ़ में पूरे फैले हुए हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़, जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाया था, लेकिन अब आप हाल देखिए, वो सपनों का शहर था और आज जो है ये शहर 66 पोजीशन पे है। कभी कांग्रेस के ज़माने में हमेशा नंबर वन होता था शहर। जो विकास है चंडीगढ़ का, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ से पूर्व के सांसद श्री पवन कुमार बंसल और जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उनका काफ़ी योगदान रहा। 1800 पार्क बनवाए हैं, ITCT बनवाया है, पूरे देश को जो है वो रेल से जोड़ा है। तो ये एक कांग्रेस के लिए बड़ा पॉजिटिव मूव है। यहाँ पर 35 सीटें हैं और 35 सीटों पर कांग्रेस एकजुट मिलकर चुनाव लड़ रही है। और जो पवन कुमार बंसल हैं, जो पार्टी के यहाँ से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो पूरा कैंपेन कर रहे हैं और सीधे आपको ले चलते हैं सेक्टर 7 में, चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में, जो कि शहर के बीचों बीच है, वहाँ पर वो रैली कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं उनके जो सभा में कौन कौन से मुद्दों को वो रख रहे हैं। आइए चलते हैं सीधे श्री पवन बंसल के रैली पर। वक्त है बदलाव का, ये वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का, ये वक्त है बदलाव का। पर सिर्फ देश में द्वेष बढ़ा है माहौल तनाव का। वक्त है बदलाव का, ये वक्त है बदलाव का, नंबर 2 से लोकप्रिय कांग्रेस के उम्मीदवार HS लकी जी बने, ब्लॉक के प्रेसिडेंट ईश जी, आज की इस प्रोग्राम के आयोजक धैया जी, परमेंद्र जी, वो सभी एकत्रित माननीय बहनों भाइयों व प्यारे बच्चों, HS लकी पार्टी ने बहुत सोच समझकर फिर आपके बीच में बतौर अपना कैंडिडेट उतारा है। इनको बहुत लंबे अरसे से मैं जानता हूं, जब स्टूडेंट थे उस वक्त से ये लोक सेवा के कामों में दिलचस्पी रखते रहे। और हर वक्त जब हमारी कोई मीटिंग यहां भी होती थी पार्टी की, उसमें हर वक्त क्या जरूरत है लोगों को, क्या जरूरत लोगों को महसूस कर रहे हैं, उनकी बातें पूरी नहीं की जा रही, उन पे बल देते रहे। इधर से एक बार पहले एक और वार्ड था, वहां से चुनाव जीते, डिप्टी मेयर बने साथ पार्टी का उसी वक्त कॉरपोरेशन में, और बखूबी काम पे लगे रहे। और जो बात इन्होंने कही थी कि आपके काम के साथ एक अंतर क्या आता है, वो लोगों ने महसूस किया था उसी वक्त। आज मुझे ये उम्मीद है इस बात की
कि आपके प्रेम और स्नेह के साथ जब ये इस वार्ड की नुमाइंदगी के लिए कॉरपोरेशन में जाएंगे तो निश्चित तौर पे इस वार्ड की जिसमें एक सेक्टर से लेकर 10 सेक्टर तक वार्ड सभी सेक्टर्स आ जाते हैं उनकी एक रूपरेखा उनकी एक शक्ल ही बदल देंगे। ये बात दोहराने वाली हो गई अगर मैं कहूंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्ष में चंडीगढ़ में कॉरपोरेशन बीजेपी के हाथों में है और ये 5 वर्ष में एक तो सबसे बड़ा उदाहरण तो इन्होंने आपको दे दिया कि किसी वक्त एक नंबर पे चंडीगढ़ सुंदर शहर उसमें सफाई में एक नंबर पे हिंदुस्तान में आता था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कल्पना करके ये शहर बनवाया था उसी दिन से इसके साथ ये भी कहा जाता है चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, इसका नाम ही ये पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी लोग ये जानते हैं। जब इसका रैंकिंग 66 आया इस वर्ष अभी एक महीना पहले तो सभी शहरवासियों का सिर शर्म से झुका है। सभी को महसूस होता है कि वो चंडीगढ़ जिसके नाम के साथ भी एक सुंदर नगरी है, फ्रेंच आर्किटेक्ट ने आके इसको बनाया, ले कबूजे ने, उनकी दुर्दशा ऐसी कर दी कि आज 66वें नंबर पे हिंदुस्तान में हमारा शहर गिर गया। कहां आपको स्मार्ट सिटी, इन्होंने कहा कि इसको स्मार्ट सिटी बनाना है, कहां है स्मार्ट सिटी? क्या चीज आपको ऐसी नजर आती है जहां लगे कि हाँ ये स्मार्ट हो गया? सफाई सबसे पहली चीज है, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे रहते हैं, पैसा खर्च देंगे किसी चीज पे, एक मशीन सड़कों को साफ करने के लिए ले आए, पता लगा वही आदमी ठेकेदार उसको मोहाली चला रहा है, वहां से भी पैसा उसका पूरा लिए जा रहा है, यहां भी लिए जा रहा है और चल दोनों जगह नहीं रही। ऐसी हालात शहर में जब होगी तो वही दशा होगी। जब कांग्रेस, मुझे भी मौका मिला हुआ था उस वक्त पार्लियामेंट में, हमारी कॉरपोरेशन में के लिए और चंडीगढ़ के लिए फंड्स इतने हम सेंटर से ले आते थे कि यहाँ कोई और बढ़ा के पैसा लोगों पे लगाने का कोई टैक्स के शक्ल में कोई फीस के शक्ल में नहीं जरूरत पड़ती थी। कॉरपोरेशन के पास 500 करोड़ रुपए की एफडी हो गई थी जिसके साथ ही बहुत काम उसके कर सकते थे। आज आपको ताज्जुब होगा कि वो खत्म हो चुकी है, उसको भी पूरे के पूरी खर्च कर दिया गया है और केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा। वही वजह थी जिसका जिक्र इन्होंने कहा किया कि पानी के रेट 3 गुने बना दिए, होता है कहीं 5% बढ़ा दिया, कभी 10% बढ़ा दिया, 3 गुने का मतलब 300% रेट बढ़ा दिया। और अब आप इसके साथ देखिए, जब लोगों ने इस पे हाहाकार उठाई मची, क्या किया इन्होंने, कहते हम इसको दिसंबर के अखीर तक के लिए रोक देते हैं। धोखा है लोगों के साथ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कहते हुए। अगर ये सच्चे थे अपनी बात पे, उसको खत्म क्यों नहीं किया जैसे लकी जी ने कहा है कि जब कांग्रेस आएगी तो उसको जो बढ़ाए हुए रेट है उसको खत्म करेगी, वापस उसी रेट पे लेके आएंगे। ये इनको करना चाहिए था, सिर्फ चुनावों के मद्देनजर इन्होंने इतना ऐलान कर दिया कि दिसंबर तक आपको देने नहीं पड़ रहे, ताकि इन लोगों के मन में मौके का जो बिल आता है उससे पता लगता है कि वो समझते हैं कि ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। अगर कहीं खुदा ना खासा भारतीय जनता पार्टी फिर आई, जो नहीं आएगी इस बार, माहौल का पता लगता है, कल तो नॉमिनेशन भरे हैं, आज से मीटिंगें ऐसे शुरू हो गई हैं, दूसरी जगह पे आ रहा हूं, इससे साफ जाहिर है कि अब भारतीय जनता पार्टी का दिन बस 31 दिसंबर तक के हैं। आप लोग कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेस शहर की जो एक बदहाली हुई हुई है उसको दुरुस्त करेगी, उसको सुधारेगी, शहर साफ सुथरा बढ़िया शहर बनाना है और लोगों पे जो बिला वजह ऐसे जो बिला वजह लोगों पे ये ऐसे टैक्स थोपे जा रहे हैं इसको हम वापस करेंगे। और एक सच्चे दिल के साथ हमारे साथी कॉरपोरेशन में लोक सेवा में लग के वहां काम करेंगे। मैं आज आपका समय बहुत चीजों पे और पे नहीं लेना चाहता, जो इन्होंने अपने कुछ करने के कारण या कुछ ना करने के कारण शहर के साथ क्या कर दिया। उन आने वाले दिनों में और मीटिंग्स होंगी, पब्लिक मीटिंग्स हमारी जगह जगह, आप लोगों से भी उस वक्त बात करेंगे, लिखती तौर में भी लकी जी बांटेंगे। फिलहाल आज तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि आज से ही
24 तारीख को, आज 5 हो गई है, 24 तारीख को वोटिंग पड़नी है। कृपा करके अब से ही इसको आप अपना काम बना के, अगर शहर को अच्छा चाहते हैं, हमारा सभी का साझा शहर है, हमारी अपनी जगह है। शिक्षा की हालत क्या, यहाँ जो कॉरपोरेशन के पास डिस्पेंसरीज हैं उनकी हालत क्या कर दी है। नाम पे स्मार्ट रख देंगे और कहते रहेंगे कि हमने स्मार्ट किया। और आज एक धोखे की जब मैं बात कर रहा था, 5 साल इनको ख्याल नहीं आया कि काउंसलर्स को वहां भेजें, लोगों के बीच में जाके उनसे पूछें आपकी दिक्कतें क्या हैं, क्या मुश्किलें हैं जिनको हमें समाधान करना है। आज कह रहे हैं आप सुझाव दो, आपके सुझाव में क्या क्या करेंगे, हम आपके सुझाव को हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। इनसे पूछ लीजिए पहले जो मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया था अपने आप, उससे क्या किया, उसकी क्या बात पूरी की, कुछ नहीं किया। और आज लोगों को फिर गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि आप सुझाव दीजिए, उसको हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। ये भी नहीं कह रहे कि हम करेंगे, मैनिफेस्टो में डाल देंगे, जैसे कि मैनिफेस्टो में जो कुछ इन्होंने लिख दिया होता है उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए मैं और समय आपका ना लेता हुआ आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पूरे जोर के साथ आप HS लकी जी का कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, जुझारू हैं, लगन से काम करते हैं सब जगह पे, लगाओ नहीं चीज के मैंने ये लेना है इस पे बैठना है, उनको आप मौका दें। आपका दोस्त, आपका बच्चा, आपका साथी वो है, विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं कि बिल्कुल जी जान के साथ आपके बीच में ये काम करेंगे। और जहां जहां आपके और दोस्त रिश्तेदार साथी हैं और सेक्टर में सभी जगह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहाँ वहाँ भी कृपा करके उनको भी कहिए कि इस वक्त कांग्रेस को वोट डालना है, ताकि पूरे शहर में उस माहौल के साथ वो तब्दीली लानी है जिसकी आज के दिन ज़रूरत है। लोग उब चुके हैं उस बात से, झूठी बातों के साथ उब चुके हैं उससे। इसलिए कृपा करके सभी औरों को भी दरख्वास्त और जगह के लिए करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।